हरियाणा के पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक करण सिंह दलाल ने आरोप लगाया है कि खट्टर सरकार के 3 साल में 3 बार हरियाणा जला है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि ये सरकार घोटालों की सरकार है। इस समय मेरे साथ हैं कांग्रेस विधायक करण सिंह दलाल, इनसे जानते हैं कि वो ये आरोप किस आधार पर लगा रहे हैं। जी दलाल साहब, इनके 3 साल का जो कुशासन हरियाणा के लोगों ने देखा है, उसमें किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य ना देना, छोटे दुकानदार पिछले 3 बरस में उनका सारा धंधा चौपट होता हुआ लोगों ने देखा है, जो दलित लोग हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, उनके चेहरों पर मायूसी है। नौजवान को ये सरकार पिछले 3 बरस में रोजगार नहीं दे पाई, और कानून व्यवस्था का इतना बुरा हाल हरियाणा के अंदर पिछले 3 बरस में रहा है कि 3 दफा हरियाणा जला है, लोगों की पुलिस की गोलियों से मौतें हुई हैं, और एक रिकॉर्ड अपने आप में बना है कि जब से हरियाणा बना पुलिस की गोलियों से इतने लोग नहीं मरे जितने 3 साल के कुशासन में खट्टर सरकार के पुलिस ने निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाई और उन्हें जान से हाथ धोना पड़ा। दलाल साहब, अभी आपने कहा कि इस सरकार में घोटाले घोटाले हुए हैं, क्या क्या घोटाले हुए हैं आप बता सकते हैं? देखिए, इस सरकार के अंदर धान घोटाला पिछले 3 वर्ष से हरियाणा के अंदर चल रहा है, पता नहीं कितने हजार करोड़ का घोटाला ये सरकार की देखरेख में हुआ है। इसी तरीके से जो किसान फसल बीमा योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये भी एक बहुत बड़ा घोटाला है। किसान और मजदूरों का खून पसीने की कमाई का पैसा जबरन सरकार फसल बीमा योजना में कटवाती है, और आज तक किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में नुकसान की स्थिति में कोई उनको लाभ नहीं मिला, ना उनको मुआवजा मिलता है, और वो तमाम कंपनियां हजारों करोड़ रुपया किसानों के खून पसीने की कमाई का अपने खाते में डाल करके मुनाफा कमा रही हैं। इसी तरीके से यहां हरियाणा के अंदर जितने भी अस्पताल हैं, अस्पतालों के अंदर जो सामान खरीदा जाता है उनके अंदर बहुत बड़े घोटाले हैं। जो यहाँ खान माफिया है, यमुनानगर से लेकर के होडल पलवल तक, बिना आधिकारिक तौर पर उनकी नीलामी हुए भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता गैर कानूनी तरीके से खनन का काम कर रहे हैं, और एक बहुत बड़ा घोटाला है। इसी तरीके से जितने करनाल के अंदर मुख्यमंत्री जी के जो नजदीकी लोग हैं, वो बिना लाइसेंस लिए और वहां कॉलोनियां काट रहे हैं। हरियाणा के हर शहर में भारतीय जनता पार्टी के लोग नाजायज कॉलोनियों को काट रहे हैं और हर शहर का स्वरूप को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। जितनी यहां जो फूड सप्लाई महकमा है, उसके अंदर जो चावल मिलों से वापस सरकार को आना होता है, उसके अंदर बहुत बड़ा घोटाला है। इसी तरीके से जो दाल की स्कीम कांग्रेस सरकार ने चलाई थी, उस दाल की स्कीम में बहुत बड़ा घोटाला है। कितने हजारों करोड़ रुपए दाल के नाम पर खजाने से जा चुके हैं, लेकिन वो दाल आज तक गरीबों के घरों में इस पिछले 3 वर्ष तक नहीं पहुंच पा रही है। तो इनके घोटालों में गुड़गांवा के अंदर जो मेट्रो रूट को इन्होंने चेंज किया, वो अपने आप में घोटाला है। गुड़गांवा के अंदर इंस्टीट्यूशनल प्लॉट्स को जो इन्होंने स्वरूप चेंज किया, उसके अंदर बहुत बड़ा घोटाला है। और जितने भी हरियाणा के अंदर मंत्री हैं विदेशी शहर के ऊपर, वो लोग जाते हैं, अधिकारियों को, विधायकों का दल उनके साथ जाता है, कितना अनाप शनाप पैसा, प्रवासी सम्मेलन जो इन्होंने किया उसके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए खर्च हुए और एक पैसे का निवेश भी हरियाणा में नहीं हो सका। तो आज हरियाणा के अंदर एक सरकार ना होकर के, और ये लोग इतने मायूस हैं कि आज जो मोदी जी के नाम पर और भारतीय जनता पार्टी के नाम पर देश के नौजवानों में एक उत्साह था, आज देश का नौजवान भारतीय जनता पार्टी के नाम से भी बहुत ज्यादा नफरत करता है। और हम इंतजार में हैं कि अब जल्दी से चुनाव आए, जिससे जो देश और हरियाणा के लोग भारतीय जनता पार्टी ने जो गलत वादे किए, झूठे वादे किए, उनके वजह में इनको सबक सिखाने का इंतजार हरियाणा और देश के लोग करने लगे हुए हैं। ये थे मेरे साथ पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक करण सिंह दलाल। इनका कहना है
कि भाजपा के 3 साल में 3 बार हरियाणा जला है। इसके साथ साथ इन्होंने खट्टर सरकार को घोटालों की सरकार बताया है। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।